नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम बनाएंगे बाजरे की रोटी। आज मैं आपको बताऊंगा कि चूल्हे पे बाजरे की रोटी कैसे बनाई जाती है। मेरे ख्याल से काफ़ी लोग, आप लोग भी शायद गांव से हो सकते हो, तो आपको तो पता ही होगा कि बाजरे की रोटी कैसे बनाई जाती है। फिर भी आप मेरे साथ बने रह सकते हो, देख सकते हो कि हम कैसे बाजरे की रोटी बना रहे हैं, किस तरीके से। मैं अपने गाँव आया हुआ हूँ, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मैं मिर्ज़ापुर से हूँ। तो ये जो आप बाजरे की रोटी बनते हुए देख रहे हो, ये मिर्जापुर की बाजरे की रोटी बन रही है। तो थोड़ा सा ताईजी ने पानी लिया है, उसके बाद इसको थोड़ा सा गूंदती है, मतलब एक एक करके, मतलब जैसे थोड़ा सा लेंगे आटा, मतलब बाजरे का आटा, उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद एक रोटी के लिए ही इसको साना जाएगा। इस तरीके से प्यार से इसको गूंदेंगे। अब ये हो चुका है तैयार, अब ये बन जाए, इसको ताई जी अभी सेकेंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे बने रहिए आप मेरे साथ। मैं गांव जाओ और बाजरे की रोटी ना खाओ, ठंड में गांव जाओ अपने और बाजरे की रोटी खा के ना आओ, तो मतलब ठंड अधूरा रह गया ऐसा लगता है। ठंड में बाजरे की रोटी तो एक बार ना एक बार खाना तो बनता है। काफी लोगों को आज की जो जनरेशन है उन्हें बाजरे की रोटी इतनी पसंद नहीं आती है। खैर सच को तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार दो बार तो चल जाता है। ठंड में एक दो बार ठीक लगता है, अच्छा लगता है, लगता है कि हाँ भाई गांव से जुड़े हुए हैं अभी भी। नहीं तो जितने भी शहर वाले हो गए उन्हें तो आटे, मतलब गेहूं के आटा ही पसंद आता है, गेहूं के आटे की ही रोटी। बाजरे की रोटी आजकल खाना कोई भी पसंद नहीं करता उतना, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए। इससे हड्डियाँ बहुत स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग रहती भी है। अगर आप खाते रहते हो, लगातार खाते हो इससे, तो आपकी हड्डियाँ काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। इससे बहुत ही प्यार से इसको किया जाता है, बनाया जाता है इसको। इस तरह से इसको भी भट्टी पे सेकते हैं। इस तरीके से प्याज से सेकिए इसको, फिर इसके बाद इसको किसी भी सब्जी से, सरसों का साग से खाइए, चाहे आलू टमाटर की सब्जी से खाइए, चाहे आलू गोभी की सब्जी से खाइए, बहुत ही मज़ा आता है। घी डाल दीजिए ऊपर से 2-3 चम्मच, आहा, फिर तो आनंद ही आनंद। जो पंजाबी लोग होते हैं उनको मक्खन डालना ज़्यादा पसंद होता है, ऊपर मक्खन डालते हैं। किसी किसी के घर पे मक्खन नहीं बन पाता तो फिर वो न्यूट्रेला का चाहे अमूल का बटर यूज़ कर लेते हैं। अच्छा है, वो भी अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है, खा सकते हैं, उसके साथ आनंद ले सकते हैं, मजा ले सकते। अब हम लोग माउंट आबू रहते हैं तो हमारे यहाँ पे चूल्हा नहीं है, तो चूल्हे का रोटी का स्वाद लेने के लिए लेने की काफ़ी इच्छा होती है। तो भाई अभी भी हमारे, मतलब मिर्ज़ापुर में हमारे घर वाले लोग कुछ गांव टाइप में रहते हैं, तो उनके यहाँ पे चूल्हा है, जहाँ पे हमें इजीली मिल जाता है चूल्हे की रोटी, चूल्हे की सब्जी, चूल्हे पे बनी हुई। अब ये दूसरा ताइजन डाल दिया। इस तरीके से सेका जाता है प्यार से, धीरे धीरे पकाया जाता है।
इसको पूरा आग में नहीं डाला जा सकता, अगर डाल दें तो क्या पता रोटी जल जाए, इस वजह से थोड़ा साइड में रख के धीरे 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 थोड़ा क्रिस्पी बने। एक्चुअली क्रिस्पी ज़्यादा अच्छा लगता है, मुलायम रोटी से अच्छा क्रिस्पी होता है ना, इस वजह से। इस तरह के धीरे से उठा के ऊपर लेटा जाता है।